चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे अफसरशाही का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। अभी फिर बालिका गृह पार्ट टू आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सामने आए। पूरी ताकत के साथ गोलंबर से आगे निकल पाएंगे और जो हमारा मकसद है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी का मकसद है बिहार बचाओ, तो हम लोग उस मुहिम में जुट चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ शिवम। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में आज पटना के जेपी गोलंबर से राजभवन तक का जो मार्च है वो निकाला गया है। ऐसे में आपको हम सीधे तस्वीर जो है वो पटना के जेपी गोलंबर की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो चिराग पासवान के कार्यकर्ता और नेता हैं वो पटना के गांधी मैदान जेपी गोलंबर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि ये बिहार बचाओ जो यात्रा है वो आज चिराग पासवान पटना के गांधी मैदान गोलंबर से राजभवन तक निकालेंगे। उससे पहले की तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है उसे कर दी गई है। ऐसे में काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बिहार में हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर आज चिराग पासवान जो है पटना की सड़कों पर उतरेंगे, उससे पहले का आपको हम माहौल दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं वो पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं और कुछ ही देर के बाद चिराग पासवान जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। हमारे साथ भागलपुर के डिप्टी मेयर भी मौजूद हैं। आज आप लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सभी जिला से लोग अपना समर्थन देने के लिए आ रहे हैं और ये आक्रोश इसीलिए नहीं है कि कोई हमारा नीतीश कुमार जी से विरोध है या व्यक्तिगत कोई हमारा उनके ऊपर हमारा उनसे कोई हमको उनका कोई विरोध प्रदर्शन करना, ये इसीलिए है कि लगातार आप देख रहे हैं चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे अफसरशाही का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। अभी फिर बालिका गृह पार्ट टू आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सामने आए। आखिर ये तमाम मुद्दे हो रहे हैं, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ रहा है कि दिन दहाड़े जो है भागलपुर में लोगों का हत्या हो रही है, अलग अलग जगहों पर आप देखिए लोग डकैती का काम हो रहा है, स्वर्ण व्यवसायी की स्थिति आप देखिए बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर सब जगहों पर फिरौती मांगी जा रही है। तो जिस तरीके से अपराध चरम पर है, जिस तरीके से सिस्टम पूरी तरीके से सोया हुआ है, पदाधिकारी आप आ जाए किसी भी जिला के एसपी को फ़ोन लगाइए, आप डीएम को फ़ोन लगाइए, एसपी डीएम जनप्रतिनिधि का फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, आम जनता तो छोड़ दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर अफसर पूरी अपने लाल फीताशाही में चल रहा है और जनता त्रस्त है, तो उसको देखने वाला कौन होगा? कोई तो आवाज़ उठाएगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने हम सबको आज यहां पर बुलाने का काम किया और हम सब उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इस बात को पूरे बिहार के मुद्दे को उन्होंने उठाने का काम किया और यहां से लेकर हम लोग राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और विरोध दर्ज करने के पीछे कहीं भी नीतीश जी को नीचा दिखाना नहीं है, उनको वास्तविकता से रूबरू कराने का है कि देखिए स्थिति आज बिहार में क्या है, हर जिले की स्थिति क्या है, ये जानना चाहिए। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है आप लोगों को रोकने के लिए, क्या लगता है कि आप लोग जेपी गोलंबर से आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग पूरी ताकत के साथ गोलंबर से आगे निकल पाएंगे और जो हमारा मकसद है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी का मकसद है बिहार बचाओ, तो हम लोग उस मुहिम में जुट चुके हैं। हर एक जिले से हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता और साथ में हमारी महिला बहनों का हुजूम आप देख रहे हैं हमारे पीछे खड़ी है और हम लोग अपने मुहिम तक और अपने मुकाम तक निश्चित ही पहुँचेंगे, क्योंकि हमें बिहार को बचाना है। बिहार जो भ्रष्टाचारियों के हाथ में जा चुका है, उस बिहार को हमें आगे लेके जाना है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी के नेतृत्व में। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन हमें कितना भी रोक ले पर जो राजभवन तक मार्च है वहाँ तक हम इस मार्च को लेकर जाएंगे। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।